हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिदास कुकिंग क्विन चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे अपनी फैमिली वालों के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ एक क्विक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसके साथ मैं आप लोगों को एक अपने फ्रेंड की संडे ब्रंच पॉटलक पार्टी में लेके जाऊँगी। पॉटलक पार्टीज एक्चुअली यहाँ आउट ऑफ कंट्री में रहने वाले लोग अक्सर इसी तरह की पार्टी थ्रो करते हैं। ये एक तरह से मिल बैठ के खाने का एक बहाना होता है और पॉटलक थ्रो करने का मकसद यही होता है कि हम किसी पे भी कोई बर्डन ना पड़े, सब एक एक डिश अपनी पसंद का लेकर आ जाते हैं और फिर हम सब मिलके एक साथ फैमिली गेट टुगेदर करते हैं। और ये फैमिली सोशलाइजिंग करने का एक बहुत अच्छा बहाना होता है हम सब के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे पता है कि आपको इस तरह से टाइम नहीं होता है किसी के पास कि हम एक दूसरे के घर जाएं या मिलें, तो हम इस तरह की पार्टीज थ्रो करते हैं बाहर रहने वाले लोग जो भी हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के। समटाइम ईद पे इवेंट करते हैं या वीकेंड पे किसी के घर चले गए, वहाँ पे इस तरह से हम कभी एक फ्रेंड की तरफ कभी दूसरे फ्रेंड की तरफ, तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं। तो चलिए फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम ये जो पॉटलक ब्रंच था हमारा एक्चुअली ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान का था, तो हमने उसी तरह की चीज़ें हम फिर लेके गए थे। तो मैं जो है सिनेमन रोल्स बना के ले गई थी। मैंने सिनेमन रोल्स पहले से बना के रेडी कर लिए थे, बस मैं आपको उनके बेक करने का तरीका भी दिखा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं सिनेमन रोल्स मैंने रख ली हैं इस ट्रे के अंदर जिसमें मैं बेक करूँगी। अब इसके ऊपर मैं जो है व्हिपिंग क्रीम जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको बेक करने रख दूँगी ओवन के अंदर। व्हिपिंग क्रीम डाल के इसको जब हम बेक करते हैं तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है और ड्राइनेस नहीं होती। प्री हीटेड ओवन में हम टेम्परेचर को उसको 400 पर रख के 20-25 मिनट्स में इसको हम बेक करेंगे। आफ्टर 25 मिनट्स ये रेडी हो गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये कूल डाउन हो जाए रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको हम आइसिंग करेंगे। बटर एंड शुगर के साथ ये मैंने आइसिंग बनाई थी, इसके साथ हम इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे रोल्स पे और ये गुड टू गो है। बहुत ही मज़ेदार से सिनेमन रोल्स रेडी हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द ही इसकी डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूंगी आप सबके साथ। और अब ये हमारी पार्टी जहाँ पे थी पॉटलक, वहाँ के मैं आपको कुछ वीडियोस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बहुत मज़ेदार से डिफरेंट लोग अपनी चीज़ें फूड लेकर आए थे जैसे कि आप देख रहे हैं। सो वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम। मोस्टली जो भी फूड थे वो सब होममेड थे, जैसे कि मेरी फ्रेंड्स हैं सऊदीज अरबी, तो वो अपनी अपनी कुजीन के हिसाब से हमस और उनके फलाफल और इस तरह के जो डिफरेंट उनके जो सॉसेस होते हैं वो बना के लाए थे। सो बहुत ही मज़ेदार उनका जो था सबका, और बहुत ही मज़ेदार खाना था सबका, हमने बहुत इन्जॉय किया। ये सारी जो है डिज़र्ट है हमारी इस टेबल पे, हमने सब डिज़र्ट साइड टेबल पे लगाई थी। इसके साथ ग्रीन टी, कहवा और हमारी मसाला टी, पानी, जूसेस, इस सब का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया था बच्चों के लिए उनके हिसाब से उनकी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग रही, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया और सोशलाइजिंग की, खाने के साथ साथ बातें भी अच्छी हुई। मेरे व्यूअर्स जो मेरे लिए फैमिली की तरह हैं, तो सोचा मैंने कि क्यों ना मैं आपके साथ भी अपना इवेंट शेयर करूं। इसी के साथ आप सब से इजाज़त चाहती हूं।
अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।